टूटी ना है तो कहीं ना कहीं खटास आ गई है। अच्छा गाइस, एलबी से तब के बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद काफी सारे फैंस के मन में एक बात थी एलबिस और अज्जू भाई को लेकर कि अब ये एक दूसरे से मिलते नहीं और ना ही एलबिस बिग बॉस से आने के बाद अज्जू भाई से मिले हैं। अभी से फैंस सोच रहे थे कि इनके दोस्ती में कोई दरार तो नहीं आ गई और इसी पर इन दोनों ने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। बड़े आदमी बहुत दिन बाद बिग बॉस के बाद आज शक्ल दिखा रहे हैं, हमें सारा मानी चाहिए था, हमें ये बात सुनते वो कहते भाई अभी तबियत खराब है, बुखार चल रहा है, दौड़ गोली दू लेके तो चल रहा हूँ, इंजेक्शन दू अपने एक पॉडकास्ट में एक चीज रिवील की। इन्होंने बताया कि आखिर HR26 गैंग में दरार क्यों आ गई, HR26 गैंग के टूटने का मेन रीजन क्या है। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, टूटी ना है तो कहीं ना कहीं खटास आ गई। अच्छा समझ गए बात को, रीजन सबका नहीं बता सकता, कुछ है जो बंदे हैं जो कहते हैं ना कि शरारती तत्व होते हैं। अच्छा। जिन्होंने दिमाग लगा के हर चीज खेली, मैं नाम भी ले दूंगा, मृगवाल ना पड़ा कोई, बट उन्होंने जो दिमाग लगा के सारी चीजें खेली थी ना वो हुई थी बिग बॉस के टाइम पे, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी टाइम में भी, प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। देखो पहले थोड़ा ज्यादा टच में थे, अब वो चीज खत्म हो गई है, ठीक है, बिकॉज बिग बॉस के टाइम में बहुत सारी चीजें, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, तुमने ये कर दिया, भाई मैंने कुछ नहीं किया। अगर जिस दिन मैं अपनी पूरी बात खोलने पे आ गया ना, उस दिन तुम कहोगे कि ये गलत हुआ था और बहुत गलत हुआ था, ठीक है ना, हमने कभी किसी को धोखा दिया ना भाई, दिलते बैठे दिलते उठे हैं, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कर दी थी भाई कि नहीं झेल पाते। उसके बाद मुंबई गए, मुंबई में कुछ ऐसी बातें हुई जो भाई मेरे को ना कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं आई समझ में, जिसको देख के ये लग गया था कि काका ये। गाइस आप इस पर क्या कहोगे, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, और वीडियो अगर जो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को इस तरह के और अपडेट्स पाने के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।